हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा या न्यूमेरिकल में क्या रख सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास मान लीजिए एन नॉट क्या है, एन नॉट मैंने आपको बताया था इनिशियल स्टेज के, जो इनिशियल स्टेज है उसके एटम को एन नॉट से लिखते हैं, एक हाफ लाइफ है। अब हाफ लाइफ का मतलब है, मैंने यहाँ पे सैंपल के रूप में ऐसे दिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 यानी कि नंबर ऑफ एटम है इनिशियल स्टेज के जो कि एन नॉट है। एक हाफ लाइफ हुई, एक हाफ लाइफ का मतलब आधा डिके हो गया। जब आधा डिके हो गया तो इसमें से ये आधे वाले रिमूव हो गए, ये कितने हो गए यहाँ पे, बाकी के ये एटम हो गए, ये कितने हैं हाफ। हाफ का मतलब कौन सी स्टेज के, इनिशियल के हाफ यानी एन नॉट के हाफ। डेट मीन एन नॉट यानी हाफ का पावर कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 हाफ लाइफ में पावर कितना आया, 1 आया। ये बचा हुआ, ये क्या है बचा हुआ, बचा हुआ का मतलब क्या होता है, अंडे के, अंडे के का मतलब क्या है एन, यानी कि एन कितना है, एन इज इक्वल टू एन नॉट हाफ की पावर 1, 1 हाफ लाइफ में। अब दूसरी हाफ लाइफ हुई, इसका मतलब ये कितना हुआ यहाँ पे, एन नॉट, एन नॉट बाई टू, इसका भी यानी कि आधा हो जाएगा, तो वो कितना हुआ एन नॉट 1/2 का स्क्वायर, यानी कितनी, कौन सी वाली हाफ लाइफ है, सेकंड, तो सेकंड, सेकंड का यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड की पावर आ गई, यानी 2 पावर आ गई। क्या है ये, अंडे के, अंडे के का मतलब एन, यानी कि सेकंड जब हाफ लाइफ होगी तो उसका एन क्या होगा, एन नॉट 1/2 का स्क्वायर। अब यानी कि सीधे हम एन लाइफ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एन नॉट यानी इनिशियल स्टेज होगा, 1/2 पावर यानी यहाँ भी आ रही थी, 1/2 पावर यहाँ भी आ रही थी, तो 1/2 यहाँ पर यानी 1/2 हो गई। अब यहाँ पे 1/2 का पावर कितना है, 1, यहाँ पे 1/2 का पावर कितना है, 2। तो अब यहाँ पर यानी कौन सी लाइफ ले रहे हैं, एन। जब 1 था यहाँ पे तो 1 आ गया, 2 है तो 2 आ गया, एन है तो एन आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, बचा हुआ, बचा हुआ का एन इज इक्वल टू क्या हुआ, एन नॉट हाफ का पावर कितना है, यानी एन, एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इस तरीके से न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाली जा सकती है, या फिर इनिशियल स्टेज का यानी कि सैंपल का यानी कि अमाउंट निकाला जा सकता है, या फिर बचे हुए यानी अंडिके का जो अमाउंट है वो निकाला जा सकता है। ये न्यूमेरिकल में बड़ा काम आता है। आपको अच्छे समझ आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करें, कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें, मेरे चैनल PKS फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे टॉपिक।